नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कैसे हैं भाई? सर, फटे हुए कपड़े देखकर क्या लग रहा है आपको? कैसे हम अच्छे होंगे सर? हम गरीब लोग हैं सर, न चैन से सो पाते हैं और न ही चैन से जग पाते हैं। दो वक्त की रोटी कमाने में ही हम लोग की जिंदगी कट जाती है सर। नाम क्या है सर? सर, वैसे तो मैं यहाँ पे कई बार अपनी नाम बता चुका हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो फिर से मैं बता देता हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार है सर। अच्छा, कहाँ से आप? सर, मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ सर। क्या स्टाइल में गाते हैं आप? सर, हम गरीब लोग हैं, कभी तो खाने को मिलता ही नहीं, और हमारी क्या स्टाइल होगी सर। वैसे मैं सर, हम हर भाषा के गाना गा लेते हैं। और गायकी में इंटरेस्ट शुरुआत कहाँ से हुई आप? मेरी गायकी सीखने के पीछे एक बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी है सर। सर, आप लोगों को पता नहीं है कि एक गरीब की जिंदगी क्या होती है। गरीब की जिंदगी को वही समझ सकते हैं जो गरीब है। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और क्या नहीं। जब मैं काम करता हूँ, जाकर कहीं किसी के घर, किसी के दरवाजे, तो मुझे बहुत सारी ताना मिलता है और बहुत कुछ ऐसे गाली कोई देता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और इतना दर्द मुझे होता है कि मैं अपने दर्द किसको सुनाऊं। और मेरा गायकी यही से नहीं, बहुत बचपन से ही हम गायकी लाइन में आना चाहते थे। और जब मैं गायकी सीखने के लिए कहीं भी जाता था तो गरीब समझकर मुझे कोई सिखाने के लिए नहीं लेता था और सिखाया नहीं जाता था। इसीलिए मैं खुद से गाकर, खुद से सीखकर यहाँ पे आया। और सर, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि सर, गरीब को इतनी छोट क्यों समझते हैं लोग, क्योंकि गरीब भी एक इंसान ही है। अगर कोई मरता है, गरीब या धनी, तो उसी मिट्टी में दफन होता है, न कि गरीब के लिए कोई अलग मिट्टी है और न कि धनी के लिए कोई अलग मिट्टी है। फिर भी इतना गरीब से लोग नफरत क्यों करते हैं, हमें तो ये भी सोच सोच कर मुझे बहुत दुख होती है कि गरीब क्या इंसान नहीं होते? गरीब के पास क्या दिल नहीं होते? अरे, जो धनी के पास है, दिल है धनी के पास और दिमाग है, वो भी गरीब के पास भी होता है। और कभी कभी तो उससे भी खर्चा नहीं चलता है तो कभी कोयला के खदान में काम कर लेता हूँ, उससे जो भी मिलता है तो उससे कुछ भरपाई होता है, घर परिवार चलता है। और कभी कभी तो भूखे सोना पड़ता है, कभी कभी तो चक्कर के मारे गिर जाते हैं नीचे। और सर, कभी कभी काम नहीं मिलता है तो राशन पता ही नहीं ला पाते हैं। और हम सब परिवार और हम भूखे रहकर सोना पड़ता है। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? नहीं सर, आज मैं अपने माँ के लिए गाऊंगा, क्योंकि माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं होता है। और जब किसी के माँ किसी को छोड़कर चले जाते हैं तो क्या उनके ऊपर बीतती है, बस वही जानता है। लेकिन मैं अपने माँ के लिए गाऊंगा आज। चलिए सुनते हैं, पहले फिर बातचीत करते हैं। ओके सर, ओके। अचरा छोड़ी के जल काहे दिहले, इतना दूर है माई। अब के बबुआ बबुआ कही के
के पास बुलाई तोरा बिन जी जी कैसे तोरा बिन जी कैसे तोर बउरा वार तोरा बिन जी कैसे तोर बउरा वार के मेला में काहे तू हमसे छुड़ब ले हाथ रे हमरो के साथे ले ले चलते अपने साथ रे दुनिया के मेला उखड़ गइल बा गैया के खूंटा उखड़ गइल बा गैया के अब रहुलव कह जाई खूंटा उखड़ गइल बा गैया के अब बछड़व कह जाई तोरा बिन जी कैसे तोर बउरा वार माई तोरा बिन जी जी कैसे तोर बउरा वार माई गुड एक्स्ट्रॉर्डिनरी जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती आपको एक और जब चांस दिया तब आपने सुर टू सुर से अच्छे से गाया माई। और उस बात के लिए मुझे ऐसा लगता है मैं एक और राउंड के लिए आपको चांस देना थैंक यू सो मच तोरा बिन जी कहीं से तोरे बउरा वार माई